मैं अपनी बेवा माँ की अचानक मौत के बाद बड़ी माँ के पास जा रही थी। मुझे अपनी प्यारी माँ से रिश्ते में वो दौलत मिली थी कोई चुरा नहीं सकता, बुनियादी तालीम और अच्छी तरबियत। अब माफ कीजिएगा, मेरा मतलब था कि मेरी बच्ची क्यों रेमू भैया आ गई तैयबा। अरे तुम लोग रो क्यों रहे हो? तैयबा की माँ का इंतकाल हो गया है। अरे रे बड़ी नेक औरत थी बेचारी, अल्लाह उसे जन्नत में अभी सब्र कर बेटी, अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है। और अभी तो तुम्हारे मामू जिंदा है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा चलो चलो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। चोट इन्हें पत्थरों से बहुत कम लगी है। इन्हें तो मैंने बहुत बचाया है डॉक्टर साहब, चोट तो मैंने खाई। डॉक्टर साहब किसी से? वो तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, आप तकलीफ न करें। लो चाचा इस दवाई के पीते ही तुम्हें बिल्कुल आराम आ जाएगा। लो। ये भी तबर्रुक ही है। तुम्हें माफ करना सच्चा। कोई बात नहीं, मेरा ये फर्ज है, मैं तो आपका हाजिम हूँ। सच्ची खाने की बीमारी ने मेरे मामू की खिदमत को इस तरह की कि हम दोनों अच्छा समझने लगे। माफ करना, मैं चाचा के लिए ये दवाई लेके आया हूँ। भूले से इस कमरे में आ गया, चाचा तो उस कमरे में है। मैं ये दवाई माफ करना, चाचा मैं हूँ, आपके लिए मैं दवाई लेके आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। इस हद तक के बाद इनका तौर तरीका मुझे खटकने लगा। एक दिन चाचा इसे तुम मेरी खिदमतों का सिला न समझना, मैं तो इस रिश्ते के जरिए हमेशा तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूँ। चाचा मान जाइए, मान जाइए चाचा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने एहसानों के बदले मुझसे वो चीज मांगोगे जो मेरे इख्तियार में नहीं। भाई वो पढ़ी लिखी लड़की है,
और फिर अभी अभी तो मेरे घर आई है। रिश्ता जब भी होगा उसकी मर्जी से होगा। वालेकुम रहमो भाई। वालेकुम सलाम, अंदर आ जाओ भाई। अब कैसी तबीयत है? तुम्हारी दुआ से अब अच्छा हूँ भैया। ये बिटिया के बच्चे और ये आपका खत। अच्छा अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सैयबा बेटी, छोटे बाबू कल अपने सेक्रेटरी के साथ आ रहे हैं, हो सके तो कल जरा स्कूल से जल्दी आ जाना। ये छोटे बाबू कौन साहब? ये मेरे मरहूम मालिक के इकलौते बेटे कामरान साहब। कुछ दिन यहाँ आराम करने के बाद फिर अपने कारोबारी दौरे पर बाहर जाने वाले। जब जाएंगे तब की बात, अभी तो वो आ रहे हैं। छोटे बाबू। आइए तशरीफ लाइए। पूरे 10 साल के बाद आपका यहाँ आना हुआ है। आखिरी बार आप मरहूम बड़े साहब और बेगम साहिबा के साथ इसी मौसम में तशरीफ लाए थे। क्या कह रहे हैं चाचा, 10 साल के बाद? लेकिन हाल तो पहले से भी ज्यादा सजा हुआ है। क्या इन बूढ़े हाथों में अब भी वही ताकत है? इन बूढ़े हाथों का कमाल नहीं है हुजूर। तैयबा ने किया है ये सब कुछ? तैयबा? क्या मेरी भांजी है? अरे हाँ, मैं उसके लिए खिलौने लाया हूँ चाचा। शक्ति जरा देना खिलौने। ये देखो रे मुझ चाचा, जमीन पे चलने वाला हवाई जहाज। और ये देखो तालियां बजाने वाला बंदा। हुजूर, माशाल्लाह मेरी भांजी यहाँ स्कूल में बच्चों और अनपढ़ औरतों को पढ़ाती है। मगर चाचा, तुमने खत में तो ऐसे जिक्र किया था जैसे मैं समझे वो बिल्कुल बच्ची है। अरे बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, सरकार बड़ों के लिए तो बच्चे ही होते हैं ना। अब देखिए ना, जिस तरह बचपन में आप इस हाथ से खेलते हुए अपने कमरे में चले जाया करते थे, मुझे तो आज भी वैसा ही लग रहा है। और मुझे तो ये सब भी बूढ़े हाथों का नहीं, जवान हाथों का कमाल मालूम होता है भाई। सलीका और जायका दोनों लाजवाब है, लड़की काबिल मालूम होती है। अरे आप तो सलीका और जायका की बड़ी काफ तक पहुँचे हैं, मुझे तो साहेबजादी अलिफ से लेकर छोटी ये तक लाजवाब मालूम होती है। ये काफी साजिश है। साया तक नजर नहीं आता और सारे काम हो रहे हैं। मैं पूछता हूँ ये लड़की है या परी? फाउल मैं अभी जब का बताता हूँ। परी को देखने के लिए तो बड़े बड़े शहजादों के सर कट गए, तुम्हारी जरा सी नाक कट जाती तो क्या हो जाता? वाह, मेरी नाक कट जाती तो ये चश्मा कहाँ पे ठहरता? अच्छा अच्छा सो जाओ। हाँ सोता हूँ, पहले 6 का अलार्म तो फिट कर दूँ। वो क्यों? वर्जिश, सुबह को 5 में वर्जिश तीनों दिमाग को ताकत पहुँचाती है। गुड नाइट। Oh.
ईमान वालों, ना तो खुदा और रसूल की अमानत में खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो। और तुम इन बातों को जानते हो और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और ये कि खुदा के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। सुभान अल्लाह, हजारों में एक मालूम होती है। ऐसी लड़कियां खुदा की रहमत बनकर माँ बाप के घर रहती हैं और शादी के बाद शहर की दुनिया को जन्नत बना देती हैं। आप इस जन्नत के ख्वाब ना देखिएगा हुजूर, वरना कामरान पहले जहन्नुम बन जाएगा। तेरे मुंह में खाक। मेरे मुंह में खाक जरूर डालिए हुजूर, लेकिन ये ना भूलिए कि बड़ी बेगम साहबा यानी कि आपकी वालिदा माजिदा का गुस्सा कयामत या जलजले से कम नहीं है। ये बड़े बाप की बेटी है और किसी बहुत बड़े बाप की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है। मुझे इनका ये ख्याल बिल्कुल पसंद है। मुझे भी इनका ये ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर तुम इनके सामने बात क्यों नहीं करते? इनके सामने तो माफ कीजिएगा, आपके बाप भी बात नहीं कर सकते थे, मैं भला इनके सामने क्या बात कर सकता हूँ। नाश्ता तैयार है, खाना तैयार है, कॉफी तैयार है। बॉस, इतनी तैयारी या तो माँ कर सकती है या फिर मेहतर यानी कि होने वाली बीवी। बदतमीज, तमीज से जल्दी ला लीजिए। चलिए बॉस। बेगम जरा सुनिए, मुझे आपसे जरा बात करनी है। बात यह है कि आजकल सैर व तफरी के लिए बाहर से यहाँ पर अच्छे और बुरे लोग आ गए हैं। अब मैंने सोचा कि आपको रोजाना स्कूल तक छुड़ाया करूँ। अपनी हिफाजत मैं खुद कर सकती हूँ, आपकी कोई जरूरत नहीं। वालेकुम सलाम, आपकी तारीफ। शक्ल सूरत से तो पूरे बहन वाले होते हैं बहुत। अच्छा, अगर आप ये चश्मा उतार कर देखें तो हम दोनों के सिर्फ कद में ही फर्क नजर आएगा। आदमी काफी दिलचस्प वाले होते हो। अजी खादिम हूँ आपका, रहमू चाचा को मैं अपना बुजुर्ग समझता हूँ, इस रिश्ते से मुझे अपना ताबेदारी समझिए। रहमू चाचा और तैयबा का मुझे बड़ा ख्याल है। आप उनके मालिक हैं, आपका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। फरमाइए, अगर सैर व तफरी का ख्याल हो तो जीप वगैरह का बंदोबस्त करूं, कहाँ जाने का इरादा है? ओशो के जंगल और अतरौर के आबशार देखने का ख्याल है। यस, ओहो, ये आपका ख्याल आपको तबाह बर्बाद कर देगा, रास्ता बड़ा ही जलील है। सिर्फ आपके लिए या हमारे लिए? सरकार सबके लिए, अधूल में हुलिया टाइट हो जाएगा आपका और आप इंसान बनकर जाएंगे और हैवान बनकर वापस आएंगे। अब मगर जाइए जरूर सरकार। मेरा ख्याल है चलना चाहिए बस। बस मैं अपनी शक्ल आने में देख लूं। पानी तैयार।
अस्सलाम वालेकुम माली बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अलूली सुरेतियो, बड़ा माल मसाला भरा है इसने। तो सच्चे खां तेरी खैर हो। बाहर तो सब खैर और खैरियत है, लेकिन सुना है अंदर कोई चक्कर चल रहा है। हमको भी तो बताओ क्या खबर है। रहमो भाई की बांधी सेठ साहब की खूब खिदमत कर रही है और बाकी सब खैर ही खैर है। अच्छा हाँ? अच्छा तो बादशाह जी तुम ये सिगरेट चढ़ाओ, मैं अभी आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या कहीं और बाहर जाने का इरादा है? सारी जगह तो देख ली है बाबा, अब और कहाँ जाएंगे? मीर बाबा के मजार की जियारत भी की है आपने? वहाँ हर जुमेरात को लोग जाया करते हैं। मीर बच्चे तैयबा को भी मीर बाबा के मजार से बड़ी अकीदत है। आज जुमेरात आपका तो सारा खानदान मतलब है उनका। अरे हाँ, वहां तो जरूर जाना है। अम्मी ने ताकि आज जुमराते रहूंगा ना। आज आज मेरा है बेटा। तो दर्द की दवा है प्यारे, थोड़ी सी मिला लो गर्म पानी में, मैं अभी ला रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ मियाँ।
तैयबा, मुझे तुम बेहद पसंद हो। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो जवाब में सिर्फ हाँ ले। मैं तुम्हारे मामू के रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। शादी चूंकि लड़की की मर्जी के बगैर हमारे मतलब में जायज नहीं, इसलिए मजबूरन ये खत लिख रहा हूँ। जवाब का मंतजर कामरान। दो बेटी पढ़ो इसे। पर तो मुझे पूरा भरोसा है छोटे बाबू, लेकिन बड़ी बेगम साहिबा आप इत्मीनान रखें बाबा, शादी के बाद मैं उन्हें अच्छी तरह समझा दूंगा। इस वक्त तैयबा की खूबियों को वो हमारी तरह नहीं समझ सकती, और फिर उनकी जिद को तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। सकता है वो तैयबा को मामू की लड़की समझकर। तो खुदा ना करे, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, और आपसे अच्छा रिश्ता हम गरीबों को कहां नसीब हो सकता है। खुदा का शुक्र मिले तुम तो मिल गया सब। दुआएं मांगी थी हमने इसी खड़ी के लिए। उठाओ रुख से ये घूंघट जरा उजाला, ये चांद हमने चुराया है चांदनी के। कामरान की दुल्हन कम से कम ऐसी तो हो कि बड़े बड़े लोग मेरी पसंद की तार। जनाब कामरान के लिए ये रिश्ता मैं छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन बेगम साहबा कामरान साहब की मर्जी भी तो जरूरी है। शट अप, मैं जो कहती हूँ वो लिखो। जनाब तुम भी जानते हो कि जज साहब की इकलौती बेटी लाखों में एक है। उनकी मैडम ने खुद मुझसे जिक्र किया और जल्दी जवाब मांगा। तुम अपनी ड्यूटी खूब समझते हो और मेरी तबीयत से भी वाकिफ हो। ख्याल रहे कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ ना हो। सारा मजबूर दिमाग मैनेजर, मैं क्या कह रही थी? बेगम साहबा बाकी मजमून मैं खुद लिख लूंगा, आप इस वक्त जहमत ना फरमाएं। मैनेजर खत का मजमून ऐसा हो कि सेक्रेटरी कामरान के इस रिश्ते के लिए राजी कर। आंटी बदतमीज, ओ माय गॉड, तुम हो कितनी लंबी उम्र है मेरी बेटी, अभी तुम्हारा ही जिक्र होगा। बेटी वो अपनी तस्वीर तो लाना। खत के साथ ये तस्वीर भी बहुत बेहतर। मेरी बर्थडे की टिकट कहाँ भेज रही हैं आप? ये सब तुम्हारे चेहरे के फूल बताएंगे। इन गाँव वालों का समझाते समझाते जबान थक गई, मगर वही एक बात कि लखावती मालिक और चंद लगे के नौकर का ये रिश्ता है। पकने दो उन लोगों को, मैं किसी का खाता नहीं हूँ जो डरूंगा। मेरी बच्ची की शादी से डर गए हैं ये सब। तुम मिले प्यार मिला अब कोई अरमान नहीं। Love.
बदले हैं न बदलेंगे, कसम खाते हैं। सोच के कहिए जरा, सोच के कहिए जरा, बात ये आसान नहीं, तुम मिले प्यार मिला। कामरान सेठ की अय्याशी का सबूत। आप बताओ, सच्चे खान ने झूठ कहा था या सच? शहर के इन रईस साधु ने शराई महर 32 रुपए 8 आने में ये अय्याशी का नया तरीका निकाला है, समझे? नहीं समझे? अस्तग़फ़िरुल्लाह, बच्चे मजहब का तमाशा बनाता है काफ़िर। चाचा, बुद्धे ने दौलत के लालच में कामरान को चक्कर दिया है, कामरान ने इसी के लिए बुद्धे को बेवकूफ बनाया है। इन दोनों के फेर में हमसे मोहब्बत करने वाली बेचारी तैयबा तबाह हो जाए। अच्छा भाई, मैं तो इस गांव से जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सच्चे खान। वालेकुम वाले। देखो मैं तो जा रहा हूँ, उठे रहना, तैयबा का हाल जरूर लिखते रहना, समझे? नहीं समझे? मुझे गम मत करो, तैयबा को अब हम अम्मी के सामने अपने साथ लेकर जाएंगे। साथ तो जरूर ले जाएंगे, मगर परे पास की बेटी बनाकर, वरना आप दोनों शादी के बाद हमेशा रोते रहेंगे और मेरी कोमरी जूतियां झमका कर भीख मांगने लगेगी। इसलिए तो मैंने बड़ी बेगम साहबा की स्थिति को सेंटर में रख के एक गोल चक्कर बनाया। अरे कुछ बकोगे नहीं। सुनिए, हमारे अफ्रीका ऑफिस के इस कार के मुताबिक अफ्रीका का दौरा बिजनेस के लिए न्याय जरूरी है। कहिए जी। फिर ये क्या, फिर से अफ्रीका हो जाते हैं और दुल्हन बेगम को यहीं छोड़ जाते हैं, और मैं अफ्रीका से बड़ी बेगम साहबा को लिखूं करोड़पति से हाथी दांत वाला अपनी अकलौती बेटी का रिश्ता आपके साथ करना चाहते, इसलिए आपका खानदान माशाल्लाह। करोड़पति बाप की बेटी बनाकर अम्मी के सामने ले जाने की तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सख्त नफरत है बरखुदार। अब्बा हुजूर,
ये झूठ नहीं, ये साइकोलॉजी का सबक है। आप दौरे की तैयारी कीजिए, मैं मामू जान को सास बहू का मसला ऐसे साइंटिफिक तरीके से समझाता हूँ, दुल्हन बेगम को यही रोक लेंगे। बेटी, दुनिया की हर औरत सास बहू पास सासती रहती है। शादी के बाद जो लड़की अपनी सास को माँ नहीं बना सकती तो कभी सुखी नहीं रह सकती। तुम सलामुअलैकुम। आपकी तबीयत ज्यादा खराब मालूम होती। मैं तो इसे समझा चुका हूँ, आप समझाएंगे तो मान जाएगी। आपकी तबीयत खराब है, इसलिए भी तजर्बा का यहाँ रहना जरूरी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जब आप दौरे पर जाएंगे तो मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे? अरे मैं तो तुम्हें इसलिए यहाँ छोड़े जा रहा हूँ कि वापसी में तुम्हें साथ रमनी के पास जाऊँ। मेरी मौजूदगी में उनका मिजाज जरा ठंडा रहता है। हम साथ होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही। मेरी तनहाई पर तरस खाकर जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर कोई औरत नहीं है, मैं कुछ कह सकूं? है क्या बात है? अरे हमें बताओ क्या बात है। सुनो तो, अब बता भी दो। लमिया मैं आपको कैसे बताऊं? हाँ ये बात है। भाई ये साफ साफ बता दो, ठीक है छुपाना? नहीं बताती क्या? न बताओ, हम सब समझ गए। क्या समझ गए? ये समझ गए। हम खामोश नहीं होते, हम सोच लेंगे सोच लेंगे। आज यहाँ आपको मुन्ना हमारे घर में घुटने के बल चलेगा, नू चल के मुन्ना हमें घोड़ा बनाएगा, नू चल के निकी अम्मा खास खाएगी। मुन्ना क्या बनेगा? पप्पा खिलौने लाएंगे, अभी तो मुन्ना उछलेगा कूदेगा खेलेगा। पप्पा अब मुन्ने के पप्पा शू करके जाएंगे और एक महीने में सारा काम खत्म करके शू करके आएंगे। बेगम साहबा को खत लिखिए। और मैं बड़ी बेगम साहबा को लिखता हूँ। बेगम साहब, मुझे यकीन है कि आप इस रिश्ते से जरूर खुश होंगी। आपका फर्मबरदार ताबेदार फिक्र। शाबाश, सत्री ने जिंदगी में ये पहला काम किया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैनेजर जी, बेगम साहब उसकी तनख्वाह में 50 रुपए माहवार का इजाफा कर दी। ओके बेगम साहब। जज साहब को अब पता लगेगा मेरी बहू उनसे भी ज्यादा बड़े पाप की बेटी। लिखिए। मामू जान, ये देखिए उनका खत आया। आपको बहुत बहुत सलाम लिखा है। खत लिखते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी। मामू जान ये देखिए, पढ़िए ना मामू जान। मामू जान,
मेरे सरदार जो बहुत जल्द वापस आने वाले थे। अभी करता हूँ। तुम्हें पहले फोन करना चाहिए था। बहुत अच्छा। हाँ जी है वो। अब वो देखिए इंपीरियल एयरवेज के पैसेंजर को लाने वाला जहाज कितनी देर में आएगा। है जी जरा ऊंचा बोलिए क्या कह रहे हैं। ब्रादर दीदी की उड़ान के बाद जहाज लापता हो चुका है। क्या बात है बेगम साहबा के बाद जहाज गुम हो चुका और शायद किसी पहाड़ी जंगल में गिर के तबाह हो। नहीं देखी मैं तो तुम्हारी चाची को लेने आया हूँ। इतने महीनों में एक खत नहीं आया तो अब क्या आएगा। अब के बार मैं खुद नहीं आया खत लिखकर बुलवाया है मुझे मेरी तैयबा ने। है औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है। मोहब्बत हाँ चाहे उसके घर वाले उसकी शादी हजार बार कर डाले ये कैसे हो सकते। मोहब्बत में सब कुछ हो सकता है। मोहब्बत हाँ देखो चाचा तैयबा मोहब्बत हमसे करती थी शादी कामरान से हो गई। बच्चा मेरा है और नाम कामरान का है समझे। नहीं समझे। देखो मैडम हो सकता है तुम्हारा बात सही मगर इस बात का सबूत क्या है। सबूत तो सारा गांव देगा चाचा। दो चार दिन में मैं और तैयबा शहर जा रहे हैं। मेरा बच्चा मेरे घर पैदा होगा। नहीं समझे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सच्चे खान। वालेकुम सलाम। कोई स्कूल में भी खबर पहुंचा दिया है। बस इसी तरह काम करते रहो। ये लो वालेकुम सलाम। सर भाई जी तैयबा अब तुम स्कूल में पढ़ाने के लिए ना आया करो। क्या बात क्या किया तुमने। क्या नहीं किया है तुमने। सारा गांव कह रहा है तुम्हारी शादी शादी नहीं गई शादी की अजासी थी और कोई नहीं जानता कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन। अब तुम जैसी औरत के लिए यहाँ कोई जरूरत नहीं। तैयबा अब तुम जा सकते हो। Yeah.
तैयब बाबा हैं, तैयब बाबा हैं। मैं हूं फतेह खां। फरमाइए बहन। मुझे चाचा के मरने की खबर सुनकर बेहद शर्मा हुआ है। इस वक्त चाचा की सख्त जरूरत थी, मैं उन्हें शहर ले जाने के लिए आया था। ऐसी क्या बात? चाचा के रिश्ते से तुम मेरी बहन के बराबर हो। क्या बताऊं, तुम जिसके लिए सारे गांव में बदनाम हो रही हो, वो तो शहर शहर घूमकर ऐश कर रहा है। क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको गलतफहमी हुई है भाई। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारे जैसी सीधी और नेक लड़की कभी यकीन नहीं करेगी, इसलिए तो मैं कामरान की अय्याशी का सबूत अपने साथ लाया हूँ। ये देखो, आजकल इस पर कसी रही दादी के चक्कर में पागल हो रहा है। काम लो बहन, तुम खुद को बेबस और तनहा न समझना। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, यहां रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं एक भाई की हैसियत से तुम्हारी हर तरह मदद करूंगा। लेकिन मैं आपके साथ चल गई तो नहीं? नहीं बहन, ये तो इस दुनिया का दस्तूर है। जब लड़की के खाने पीछे मुंह मोड़ लेते हैं तो वो अपने बाप भाई के घर जाकर अपने खोए हुए स्वभाव को हासिल करने की कोशिश करती है। मेरे साथ दो बहनें रहती हैं, एक बहन और थी। हम सब मिलकर तुम्हारा हक तुम्हें जरूर दिलवाएंगे। चलो उठो बहन, उठो, उठो। बार बार भाई कहती है, तो बस तो बस। मुमताज, शमशाद बहन कहाँ है? अभी आ रही है। अच्छा, बैठिए बैठिए। शुक्रिया। आप सत्य खान के साथ आए? जी जी। आप सबके भाई की छोटी बहन है। बहन? ये तस्वीर बड़ी सफाई से बनाकर लाया हूं। अरे बात सच्चे का, क्या झूठ से सच बनाया है? तो क्या आप सच्चे भाई की बहन नहीं? जिन्हें जिन्हें बात नहीं थी। दरअसल बात ये है, मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ वो सेठ साहब। हाँ, तोबा है, तोबा है। अरे जाओ, तुम्हारे न्याय इंतजार कर। जाओ जाओ जाओ। ये है मेरी आपा और ये है बेचारी बदमस्ती तैयबा।
जमान, औरत चाहे खानदान की हो या बाजार, अगर उसका औरत बन जिंदा है तो वो हर एक की महबूबा बनकर जी ले सकती, क्योंकि एक की लौंडी बनकर मरना ज्यादा पसंद करे। मेरी मुमताज भी इसी तरह से मायूस हो गई, लेकिन मैंने दूसरी शादी पर राजी कर ली। हाँ, के चक्कर में ना मैं वो दाना लेकर आया हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था। वहाँ साहब, कब तक दीदार नहीं होगा? बस एक महीना किसी ने शादी की देर है, लेकिन खुशा शुरू कर दी थी। समझे? नहीं समझे। इस पानी का रंग बदल दीजिए। अच्छा अच्छा, लो लो लो, पियो पियो और पियो। तकदीर की एक ठोकर बाजार में ले आई, भटके झनकार में ले आई। हाय रे मैं तो, हाय रे मैं तो ऊंची अटरिया पे आई, हाय रे मैं तो ऊंची अटरिया पे आई। पूछो काहे ना पूछो काहे, घूंघट में आग लगाई, हाय रे मैं तो ऊंची अटरी हथियाई। Yeah।
तुम खाओ रेशम। हया का कफन है मगर तुम नहीं हो। हया का कफन मगर तुम नहीं हो। मगर तुम न सोचो मजे लेते जाओ। मगर तुम न सोचो मजे लेते जाओ के मुद्दत से दुनिया का बिगड़ा चलन है। के मुद्दत से दुनिया का बिगड़ा चलन है। ना पूछो काहे ना पूछो काहे दुनिया को ठोकर लगाई। हाय रे मैं तो ऊंची अटरिया पे आई। ना पूछो काहे ना पूछो काहे घूंघट में आग लगाई। हाय रे मैं तो ऊंची अटरिया पे आई। 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 फिक्र न करो जी। Thank you.
बच्ची को नाली में फेंक रही हो, हराम का ही सही, मगर है तो तेरी औलाद। मैं तो ठोकर खा के गिर गई थी। ठोकर? सच कहती हो, पर ऐसी चाल कोई चले ही क्यों कि ठोकर खाकर गिरे तो उसकी औलाद और इस खाली बोतल में कोई फर्क ही न रहे। अरे वो सच्चे के बच्चे हराम की नींद सोने वाले गजब हो गए, वो भाग गई। कौन भाग गई? मुमताज। अरे वो तो भाग नहीं, भाग मुमताज नहीं, तेरी बहन। कौन? तैयबा भाग गई? निकालो मेरे 4000 रुपए जो तूने भागने वाली के चक्कर में मुझसे लिए थे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा सर तोड़ दूंगी, मैं तेरी जान ले लूंगी। सच्चे का सुना? अरे छोड़ भी आया, तू तो मुझे छोड़ भी देगी, मगर तैयबा अब मेरी जिद बन गई है। जब तक मैं उसे इस लाइन पर नहीं लगा लूंगा, अपने पेशे की कसम, न खुद चैन लूंगा न तैयबा को चैन लेने दूंगा। भाई जी, कामरान महल का पता बता सकते हैं? कामरान महल? हाँ, वो सामने है। खुदा समझे तुम, मुर्दे के नाम का तू बच्चों के लिए ले जा रहा था, वो भी गिरा दिया तुमने। माफ करना बाबा, कौन मर गया है यहाँ? इस वक्त तो तुम्हारी वजह से मैं मर गया हूँ, अब मुझे दोबारा दूध भी नहीं मिलेगा। नाम बहन अदु, ये लो, तुम जल्दी जाओ वरना दूध खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, किसका इंतकाल हो गया है यहाँ? हमारी बेगम साहबा के इकलौते बेटे का हवाई जहाज के हादसे में खत्म हो गया बेचारे। ये खैरात उन्हीं के नाम की, तुम भी लो। क्या नाम था उनका? कामरान था। अरे क्या हुआ इसे? अरे उठो दीदी, हाथ करो। माँ, ये ढूंढे क्यों है? क्या बात है? अरे मेरा पांव तो छोड़। मेरा सुहाग उतर गया है माँ, मेरी दुनिया लुट गई है। मैं बिन खत्मों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं माँ जली बदनसी आपकी बहू, आपकी बेटी की बेवा। क्या भक्ति है? दिमाग तो खराब नहीं है? मुझे तो ये औरत पागल मालूम होती है बेगम साहबा। अभी अभी मरने वाले का नाम भी पूछ रही थी, हो सकता है कि इसके शौहर का नाम भी कामरान हो और उसी के गम में बेचारी पागल हो गई हो। पागल? मैं पागल नहीं हूँ माँ, मैं सच कह रही हूँ। आपके बेटे के खून की कसम जो आपके कदमों में पड़ा हुआ है, मैं कामरान साहब की बीवी हूँ। क्या आपका पोता है माँ? मरने वाले के लिए जानी है माँ। हाँ, बदतमीज, मरने वाले पे इल्जाम लगाती है, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाती है। मैनेजर, ये औरत पागल है, इसे अस्पताल भिजवा दो। कोई ठिकाना नहीं रहा तो ये एक नए यतीम खाने का पता है, वहां चले जाओ, शायद कोई जगह मिल जाए। शुक्रिया।
महल की इस निशानी को यतीम खाने में ले जाने से पहले एक बार फिर मैंने कोशिश की कि कम अज कम पोते को दादी के कदम में जगह मिल जाए, लेकिन सुनो चौकीदार, बंगले का ख्याल रखना और कोई भी आए उसे कह देना बेगम साहबा कराची चली गई है। बहुत अच्छे जनाब, चलो सुनिए। तुमने सुना नहीं, अब मैं क्या सुनूं, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। जल्दी करो ड्राइवर, बेगम साहबा जान खा जाएंगे। खिदमत के पढ़ने वालों को इससे नेकी और कौम की खिदमत का शौक पैदा हो। जमाना सीखता है, सिखाने वाला चाहिए। अच्छा हजरात, मुझे और भी कौमी काम है। अब आप लोग यतीम बच्चों की उत्सानी के लिए एक मुसीबत ज़दा खातून की अर्जी देखते हैं, अगर मंजूर करते हैं तो रखे लेते हैं। वैसे चंदे की रकम में कुछ इजाफा करना हो। जरूर जरूर। बुलंद इकबाल, अबे ओ बुलंद इकबाल, ओ हो कहाँ मर गया? मरीज तू ज्ञान को हमारे हरिश्ता साहब। जी फरिश्ता साहब। अबे वो मोहतरमा कहाँ है? वो उस कमरे में इंतजार कर रही है। बुला लो ने। जी जमाल साहब, आप भी उन मोहतरमा की अर्जी पढ़ी। आइए मोहतरमा। जनाब आली, गुजारिश है कि मैं बिल्कुल बेसहारा एक बेवा, मेरा एक यतीम नन्हा बच्चा भी है, मैं शरीफ खानदान की तालीम याफ्ता औरत हूँ। बराए मेहरबानी आप मुझे सहारा देकर यतीम बच्चों को पढ़ाने की मुलाजमत इनायत फरमाएं, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। तैयब बेगम लीजिए। हाँ साहब, तो आप हजरात की क्या राय? जरूर रखें, सेवा और यतीम की खिदमत भी हो जाएगी और यतीम बच्चियों का भला भी हो। तो कौन अल्लाह क्या पाकीज़ा है हालात। नेक जो राह उसी राह से चलाना मुझको, नेक जो राह उसी राह से चलाना मुझको। शाबाश, अच्छा बच्चे, अब लिखो। बच्चों का दिमाग कोरे कागज की तरह होता है, लिखो शाबाश। जी बाजी, वो नन्नी उस रैया कहाँ? जी वो चंदे की नजर याद करने गई। नजर होगी? नहीं। अच्छा भाई, बाजी आज बच्चे चंदा मांगने जाएंगे। चंदा मांगने गए बापू मांगर के गम के हवाले। क्या हो रहा है? फरिश्ते के हुक्म की तामीर, लिखा है मांगो तो खाओ वरना भूखे मर जाओ। मैं गली गली चंदा मांगने के लिए यतीम बच्चों के साथ रो रो कर गाता हूँ तो लोग मुझे कुदरत का कार्टून समझकर हंसते हैं। मैं कुदरत का मजाक उड़ाने वालों पर हंसता हूँ और इस हंसी हंसी में चंदा ज्यादा जमा हो जाता है। चुप रहो बच्चों, हंसते नहीं। किसी की बेबसी पर हंसकर दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। खुश रहो बहन, तुम बड़ी ऊंची औरत। मैं भी जब इन यतीम बच्चों को चंदे की रकम से पतली दाल की बजाय भुना हुआ गोश्त पकाकर खिलाता हूँ तो अपने कद के हिसाब से बहुत ऊंचा हो जाता हूँ। ये तो सब ठीक है, लेकिन इस तरह गली गली ठीक मांगने से बच्चे बिगड़ जाएंगे।
मगर फरिश्ते को खुदा के सिवा कौन समझा सकता है। कहता है कि यतीम खाने का खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है। तो इसलिए और भी ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनके जरिए बच्चे पढ़ाई के बाद हुनर भी सीख सकते हैं और हमारी आमदनी और फंड में भी इजाफा हो सकता है। मैं कल ही सारा प्लान बनाकर फरिश्ता साहब से मिलूं। ऐसे हजारों प्लान मैंने हजार बार सोचा है, लिखा है और फिर बकवास समझ के फेंक दिया। हर अच्छी बात कहीं मुश्किल ही नजर आती है। इस खुदगर्ज दुनिया में यह मुश्किल नहीं, नामुमकिन। सिलाई की मशीन, सरकारी का सामान, मेज कुर्सी, यह हजारों रुपए कौन देगा? आज तक किसी के घर का रोह नहीं। अस्सलाम वालेकुम फरिश्ता साहेब। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहेब। मैं 500 रुपए का चेक लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह, उस तानी साहिबा का ये प्लान जितनी बच्चियों के लिए लाजवाब। अजीब हाजी साहब, कहाँ ये बेचारी मामूली उस्तानी, कहाँ ये प्लान। ये तो मैं अपने ख्यालात का एक मजमून इनके नाम से बना रहा था। जमाना औरत की बात जल्दी सुनता है, रूप बदलने वाला चाहिए। खूब, बहुत खूब। आप फिक्र न करें, मैं इन तमाम चीजों की खरीदारी अपनी बेगम के सुपुर्द कर दूंगा। और हाँ, खास तौर से यतीम बच्चों को गोद लेने का जो प्रोग्राम इसमें लिखा है बहुत ही जरूरी है। इंशाल्लाह मेरी बेगम की सदारत में इस जलसे का इंतजाम बहुत जल्द हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरिश्ते से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश न करो वरना सारे पर कतर दिए जाएंगे, समझी? अब एक जरूरी ऐलान सुनिए। आपने आज अखबार में पढ़ा होगा कि इन यतीमों को बे औलाद जोड़े गोद ले सकते हैं। जो बहनें इनको गोद लेना चाहती हैं वो फॉर्म पर अपना नाम और पता आकर लिखवाएं। कल उनके मकान पर हम लोग जरूरी कार्रवाई के लिए पहुंच जाएंगे। आइए आइए। ये लीजिए 500 रुपए, इसमें खाने के लिए। शुक्रिया। मगर वो रसीद, कोई बात नहीं, कल से। अच्छा यार, मैं अब पैसे जाओ अपने पास। आओ बेटा। बाजी, अरे पढ़ लो, उदास हो गई। देखो कितनी अच्छी बात है तुम्हारी, और ये देखो तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है, और वो देखो तुम्हारा है। उतार दो गुनाहों में डूबे हुए कपड़े और जिसके बाद इनसे तो हमारी यतीम खाने की वो पाक और खादा का किरदार डर जाते। ये लो अपने हराम के रुपए जिनके बदले तुम अपनी निस्वानियत और ईमान दोनों बेचते रहे। तैयबा, हफ्ते आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, हफ्ते आगे तुम बढ़ रहे। शरीफों के मोहल्ले में घर लेकर मासूम जिंदगी को तबाह करने का नया तरीका निकाला है तुम लोगों ने। शरीफों के मोहल्ले का ख्याल करने वाली शायद ये भूल रही है कि उसके दामन पर कोठे के दाग लग चुके हैं। तैयबा, मैं तेरी सारी पारसाई का भरम खोल दूंगा। ये मत भूल कि तेरा बच्चा कोठे पर पैदा हुआ है, इसलिए कि हरामी बच्चे वही पैदा होते हैं। हम सब इस बात की गवाही देंगे।
फिर वही दर दर की ठोकरें होंगी तेरे नसीब में, शहर के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तेरे लिए, तुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। खुदा की पनाह में रहने वाले के लिए जब सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं तो उसकी रहमत का दरवाजा खुल जाता है। भाजी, तीन बच्चे खुदा की अमानत को दे, मैं इसे तेरे जैसे शैतान के हवाले नहीं कर सकती। क्या कहा, मैं शैतान? अच्छा तो ये शैतान तुम्हारे टुकड़े उड़ा कर रख देगा। हा 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 हा, गुस्सा थूक दो और खुश हो जाओ। सच्चे की मदद को ऐन वक्त पर फरिश्ता आ पहुंचा। तुम्हारे दो ही जुमलों से इस औरत की सारी कहानी समझ गई। खिदमत पर्चा नहीं, तलवार है तलवार। तो फिर इस तलवार से टुकड़े उड़ा दो इस औरत के। सुनो, पोछे सैयबा बेगम के नापाक साए से यतीम खाने को बचाओ। सच्चे का फरिश्ते का कलम जरूर यतीम खाने से निकाली जाए। कोठे की तैयबा बेगम के नापाक खाए से यतीम खाने को बचाओ। खिदमत पर्चा नहीं, सच्चाई का आईना। सुन लिया, वो दिन की दबा नीति यह साबित हो चुका है कि उस्तानी साहेबा कोठे में तशरीफ फरमा चुकी है और उस काजल की कोठरी से एक कदर दाग ना। आप लोगों का जमीन यकीन नहीं, तो मुझे जमीन को न करें। हम में से कोई आपका यकीन नहीं कर सकता। अगर आप सच्ची थी तो नौकरी की अर्जी में गोल मोल दास्तान हयात लिखने के बजाय सही वाकया क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? आप तो माफूस कहते हैं, इसलिए बच्चों का मुआवजा बजाय। जी हाँ जी हाँ, इस औरत को यहाँ नहीं रहना चाहिए। बेशक। शुक्रिया अदा कीजिए इस बेचारे सच्चे खान का। किसी यकीनी बच्ची के साथ उदाना खासा कोई चक्कर हो जाता तो दुनिया हम सब को नामाकूल कहती। जमाना थूकता है, मुंह बचाने वाला चाहिए। कैसे बुलंद इकबाल, तू कहाँ जा रहा है? फरिश्ता साहब, दुनिया में सच्चे और अच्छे बहुत हैं, बुरों का साथ देने वाला चाहिए। अच्छा, खुदा हाफिज। बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया, लेकिन मुझ पर तकलीफ के लिए तुम्हारी नहीं है रोजी को क्यों हाथ मारते हो? ऐसी रोजी से मौका अच्छा जहाँ आंखें दुल होते हुए देखे और भगवान कुछ न कर सके। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि तुम दोनों की खिदमत कर सकूं। मेरी बच्ची की देखभाल अगर इसमें मंजूर हो तो इस पते पर मेरी बीवी से मिल जाए, तुम्हारी नौकरी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ जी साहब, जमाना बड़ा मक्कार, बचने वाला चाहिए। कामरान ओवरसीज के मालिक खबर सही है कि अफ्रीका के खतरनाक जंगल में बर्बाद शुदा हवाई जहाज के तीन कुछ नकली मुसाफिर। बिल्कुल सही हाजी साहब, ये खबर नहीं, खुदाई रहमत का करीब। एक तो जिंदगी और उसके बाद डेढ़ साल तक खतरनाक जंगल में जिंदा रहने के बाद आबादी तक पहुंच। अल्लाह सुभान, किसी हो रखी उसे कौन है? अब आपकी ये बीमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी बेगम साहबा। आपको ये खुशखबरी मुबारक हो बेगम साहबा। हमारे अफ्रीका ऑफिस के तार में लिखा है वो लोग मदाइन से होते हुए परसों शाम को यहाँ पहुँच रहे हैं। उम्मीद बाबा की मजार पर सलामी पेश करने जा रहा होगा। मैंने कहा जी बेगम, जिस कदर करा कर जकात हो सके मीर बाबा के नाम पर कुरान खानी कराओ।
कल शाम से पहले अपनी का हाथ सजाओ, चरागा करो। वो सेठ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा का दोबारा जिंदगानी मिला। और जिंदगानी भी इसलिए मिला कि उस औरत का हकीकत खुल गया। और तुमको तो कुछ पता नहीं है ना, वो रेम बाबा पहले तैयबा शरीफ का सच्चे खां के साथ ले करता था। और वो जो दोनों है ना, वो आपस में क्या बोलते हैं, वो बहुत बहुत वो क्या बोलते हैं, मोहब्बत करता था। जब भी सीट साहब से लापता हो जाने के बाद तैयबा ने खास लिख करके सच्चे खां को बुलाया और ऐसा आलस में उसके साथ दिए कि कोई औरत गैर मर्द के साथ नहीं जा सकते। माफ करना सेठ साहब, गाँव में तो सबको यकीन है कि वो बच्चा भी मुझे कुछ मालूम है कि आंखें रखते हुए भी इंसान अंधा हो जाता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तैयबा इतनी जलील साबित होगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मैं लाजमा बनकर नहीं, मेरी सगी बहन की तरह रहूंगी। उस अलमारी में से मेरी भी साड़ी ला दोगे? एक बात पूछू, आप बुरा तो ना मानिएगा, शादी के बाद आपकी मियाँ इस डांस वगैरह से नाराज तो नहीं होते? आज मुझे बड़ी दिलचस्पी, मतलब अच्छा हो तो ज्यादा दे देती, और फिर सिंगी मिलकर इतनी बच्चों के लिए हो रहा है कि दो रोज तक मैं पर्सों तक आ जाऊंगी। लीजिए। साहब आ गए हैं, सामान दे दीजिए बेगम साहबा। रुकना भैया, माफ कीजिएगा। सुनी, ये रुपए बेगम साहब को दे। क्या कह रहे थे मेरे मियाँ? ये रुपए दिए हैं। अरे वाह, क्या बात है मेरे मियाँ की। समझे? नहीं समझे। समझ गया, इसकी शादी होती है भाई। अच्छा अब मैं करता हूँ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आदाब। आदाब। बहन, मेरी बच्ची का ख्याल रखें। अच्छा खुदा। अच्छा खुदा। खुदा। सुनिए, मैं आज रात घर वापस नहीं आऊंगा, मेरे लिए खाने आने का इंतजाम न करना। और हाँ, जरा घर का ख्याल रखना। एवं तरह से सब आ गए। Thank you.
साहब ऐसे जवान कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आ गई? ऐसी तो कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं दूसरा आइटम जरूर करूंगी। कल की शो सुना ना से चाहती हूँ। बिल्लू भाई प्लीज आप घर पर फोन कर। सारी औरतें बुरी नहीं है बेटा, और फिर अब तुम्हारा उस औरत से क्या ताल्लुक? गांव में जो कुछ मैंने सुना था ताल्लुक तो उसके बाद ही खत्म हो गया था, लेकिन सेक्रेटरी ने जो कुछ अखबार में पढ़कर सुनाया है उसके सुनने के बाद मेरे सीने में एक आग सी लग गई है, और इस आग में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा सब कुछ जलकर राख हो गया है। माँ सुनो तो बेटा, संभालना बेटे। Bye-bye.
बात छोड़ो, मैं तो रात भर यहाँ परेशान रहा हूँ। तुम बड़े अच्छे मौके पर आई हो। भाभी आपका टेलीग्राम, तुम ले ले जाओ। Thank you.
गेट खोल दो भाई, मुझे जल्दी जाना है। नहीं नहीं सिंगल हो चुका है। ये लो 5 रुपए। जा जा अपना काम करो। अरे भाई बीमार औरत है मेरे साथ, मुझे जल्दी जाना है। वो देखो है? मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला ताकतवर है। बहन अब यहाँ से जल्दी निकल चलो, यहाँ रुकना अच्छा नहीं। लेकिन भाई अब जाएंगे कहाँ? अब तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम कोई फिक्र न करो, अब हम ये शहर छोड़ देंगे। कराची से मेरी बीमार बहन का तार आया है, अब हम सीधे कराची चलेंगे। उठो बहन, उठो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटा। मेरी आंखें जब तुम्हारी आंखों को बेनूर देखती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरी जिंदगी की अब सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि तुम इस दुनिया को फिर से देखो। नहीं माँ, मैं फैसला कर चुका हूँ दोबारा इस बेवफा दुनिया को नहीं देखूंगा। जिन आंखों ने मुझे एक बार धोखा दिया है वो दोबारा भी धोखा दे सकती है। दिल कर इधर तुम लोग कराची आ गया, खुदा के तमाम को बहुत खुशी हुआ। मलंग भाई अब हम लोग हमेशा यही रहेंगे। अरे तुम इधर रहेंगे? खुदा के सम ये तो बहुत अच्छा बात, तुम तो अब्दुल्ला शाह बादशाह के साया में आ गए, सब ठीक हो जाएगा। मलंग मकरानी तुम्हारा मदद के वास्ते हर वक्त हाजिर है, तुम हमारा होटल में काम करो। ये खाना वाना पकाना जानता है? जी हाँ मलंग। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा बेन तुम हमारा होटल का खाना पकाओ, हमसे जो कुछ होएगा हम तुम्हारा मदद करेंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम। रोटी के लिए दुनिया के बहुत से जहीन इंसानों के घर वाले अक्सर परेशान रहे, अगर मुफलिसी की आंच अच्छे दिमागों को हमेशा रोशन करती है। ऐ वतन, मैंने भी मुफलिसी की तारीख रोशनी में तेरी खिदमत शुरू की।
रोटी कमाने के लिए नहीं। एडिटर साहब, रोटी ठंडी हो जाएगी। मगर सामने तो रहेगी मियाँ। खुदा का शुक्र है, नहीं तो हम जैसों के सामने से ये सरवाइव भी हो जाती है। मेरा ख्याल है इसकी मौजूदगी से फायदा उठा ही दिया जाए। आशिफ साहब आइए, वरना कलम नहीं चलेगा। अदरक नोजे जान फरमाइए, मैं बाद में खा लूंगा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जी हाँ, इससे पहले बिस्मिल्लाह और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तो कहूंगा ही। एडिटर साहब, आपके अखबार की तरह आपकी बातों पर भी बड़ा मजा है। जनाब धर्म जब्बाल साहब, आज आपके होटल के सालन में बड़ा मजा है। बाबूजी बदल दिया क्या? ये मेरी बहन ने बनाया। मेरी? उन्हें तो हम अपने हाथों से सुपुर्दे खाक करके आए थे। ये मेरी मुंह बोली बहन है बेदार साहब, अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी औरत का बेटा। सेवा होने के बाद इसने बड़े बड़े तूफानों का इस तरह मुकाबला किया है कि इसे बहन कहते हुए मुझे फख्र महसूस होता है। तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है, जल्दी करो। क्या कह रही हो? चलो चलो चलो। पानी ये तो आज के सामने तुम इतनी मेहनत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आधी हो जाऊंगी, खुदा आज को भी मेरे लिए जिसबाल साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए एडिटर साहब। तशरीफ लाइए एडिटर साहब। बिल्लू भाई, बहन के पड़ोसी हैं, आप लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। मैं खास तौर पर इसलिए आया हूँ कि बहन पढ़ी लिखी मेरे अखबार में औरतों को किसी के लिए कोई मजमून या कहानी वगैरह लिखी। कोई इसलाह अगर जरूरी हुई तो मैं कर दिया करूंगा, और शाया होने के बाद कुछ रकम भी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। पढ़े लिखे गरीबों को चाहिए कि वो अपनी और अपने भाइयों की मुसीबतों के हालात जमाने के सामने कहानी और किस्से के अंदाज में पेश हो। इससे गरीब पढ़ने वालों को सब्र और हौसला मिलता है, और अगर किसी अमीर के दिल पर बात लग गई तो थोड़े बहुत दुख भी दूर हो जाएंगे। अच्छा बहन, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। अच्छा खुदा हाफिज़। अच्छा बहन, आप आज ही से लिखना शुरू कर दीजिए। खुदा हाफिज़। दुनिया की हर कहानी शुरू होती है और खत्म होती है, लेकिन मैं वतन की बहनों के लिए ये कहानी जहाँ से शुरू कर रही हूँ वहाँ एक कहानी खत्म हो चुकी है। कहानी का वो पहला हिस्सा मेरी नज़र में उस वक्त तक किसी के पढ़ने के काबिल नहीं है जब तक दूसरा हिस्सा कामयाबी से खत्म न हो जाए। मेरी कहानी का उन्वान है औलाद। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। इसका मतलब है? इसका मतलब है शुरू करता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह के नाम से।
जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। अल्लाह एक, अल्लाह एक, एक और एक दो, एक और एक दो, दूसरों को दो, दूसरों को दो, और कभी किसी के मांग के मत लो। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। अमान मियां, अम्मी ने आपको ये गेंद बल्ला इसलिए लेकर नहीं दिया कि आप हर वक्त इससे खेलते रहिए। चलिए स्कूल का वक्त हो गया। ये बहुत अच्छा। और सुनिए, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल, वरना बेचोगे खेल। और इस खेल से घर में चिराग भी नहीं जलेगा। चलिए शाबाश। अच्छी बात फौरन समझना और मान लेना अकलमंदों की निशानी है। ये लीजिए मिट्टी। नहीं, अम्मी ने बोला एक वाले दो, दूसरों को दो, कभी किसी से मांग के मत लो। शाबाश। मांगना बहुत बड़ा गुनाह होता। बड़ी अच्छी तालीम। अच्छी बात है, अब आप जाइए। सुनिए, इधर आइए मेरे को। आप कुछ भूल गए। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। कहिए जिकर साहब, कैसा है हमारा भांजा? वाकई माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब होती है। कमीने काला मुंह तेरा, जब आता निकले हमेशा पैसे नाले में गिरा देता है। मेरी बहन को तो खा देता है, अब खुद का भी खाएगा। नाम रोज तुम तो अरे रे क्या करती हो गरीब, तू खा रहा। अरे खाना, मैंने तेरी बहन को थोड़ी खाया, अगर खाया तो मैंने अपनी माँ को खाया। तू मुझे क्यों मारती रहती है? मैं आज तेरा खून पीऊंगी। ओह गरीबन, इस तरह बच्चे ठीक हो जाया करते। ये मुआ नाच का भूखा बाबी, बाप का मानता ही नहीं। बाप का नाम है फरिश्ता और बेटा है शैतान का भी बाप। किसी के लिए एक ही रुपया रह गया था मेरे पास, वो अभी इब्लीस की औलाद ने नाले में गिरा दिया। क्या ये अंकल फरिश्ते का लड़का है? हाँ है तो उसी का, लेकिन मैं झूठे मुंह भी से नहीं पूछता। मरी हुई शहर की निशानी पार गई, क्या करूँ हराम खोर को। चल उतार ये स्कूल का थैला, आज से तू मेरे साथ घर में काम किया करेगा। तू खाई क्या कर रही हो गरीबा? छोड़ दे, बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया करता। कि मेरे बच्चे के साथ स्कूल जाए इसकी फीस मैं दे दूँ, तुम मुझे बाद में दे देना। क्यों बेटा, बसोगे ना? बोलो ये क्या? चलो देखिए, बच्चा लोग स्कूल जाता है। शाबाश। लंग भाई उदास चलेगा, जाओ अंदर कहो ना। الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. इसका मतलब है जो लोग ईमान लाए और नेक अमल यानी अच्छे काम करते रहे उनके लिए बेहद अजर, यानी उन्हें इसका बहुत बदला मिले। अब आप इसके लिए तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा। अम्मी जी, जी बेटे, क्या बात? मास्टर साहब ने स्कूल की फीस मांगी है और नई कॉपियां भी मंगवाई है। कॉपियों के लिए ये रुपये ले जाओ बेटी, छुट्टी से पहले मैं खुद आकर फीस दे दूंगी। ये लो। और हाँ देखो, वैसे मास्टर साहब से कल का वादा करें। ये बहुत अच्छा। अच्छा मैं खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
गिराया है। अगर यहाँ गिरता तो भला अनवर के सामने से कैसे गायब हो जाता? अनवर, मगर मैं अम्मी को क्या जवाब दूँ? तेरा दोस्त किस दिन के लिए? तू फिक्र ना कर, मैं रुपए का इंतजाम करूँ। तू अंदर जा, बस मास्टर साहब पूछे तो जैसे बताया है ऐसे ही कहना। बेचारा अंदर बहुत बीमार है, उसके पेट में बहुत दर्द है। जा जा, बेफिक्र होते जा। सुन तो ये, इन्हें मैं यहीं मिलूंगा। वक्त पर तो रुपया ही रुपया होगा प्यारे। जा अब जा। आखिरी कहीं पे बात सा रहा बात। चलो हद तेरे की, गुलाम का मुंह काला। चल ना चल। कितने लगाता है? रोते क्यों हो? क्या हुआ? रुपये का कुछ इंतजाम हुआ? फिक्र मत करो, इंतजाम हो जाता है। हाँ क्या बात है चक्की? स्कूल के बच्चे हैं बॉस। माफ कीजिए, ट्रेन के पैसे गिर गए, हमें घर छोड़ दीजिए। कहाँ रहती? किमाड़ी। हम लोग किमाड़ी नहीं जा रहे हैं बेटे। अच्छा ये लो। तुम्हारा वो फैला हुआ हाथ अब तक मेरी आंखों में कांटों की तरह चल रहा है। मैंने तुम्हें बचपन से समझाया था ना कि हाथ फैलाना बुरी बात। अम्मी मुझे माफ कर दो अम्मी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अनुभव ने कहा था अम्मी। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तुमने एक लड़के के पहचाने पर अपनी माँ की नसीहतों को भुला दिया। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर मेरी बातों को ना भुला सको। अम्मी नहीं। लाओ वो हाथ जिसे आज तुमने भिखारियों की तरह फैलाकर अपनी माँ की तमाम उम्मीदों को जलाकर साफ कर दिया। हाथ आगे बढ़ाओ। नहीं, नहीं अम्मी नहीं। हाथ आगे बढ़ाओ। मुझे माफ कर दो अम्मी। नहीं तुम चुप रहो जी। अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी अम्मी। ये क्या किया बाजी? अपना हाथ चला लिया। मांगने वाले हाथ से अपनी माँ के हाथ पर टांग लगाया। अब इसे मालूम हो गया होगा तुम माँ की नसीहत को भुला कर जब बेटा गलत रास्ते पर चलता तो माँ के दिल पर ऐसे ही दाग उभर आते हैं। पैदा करती हूँ बस की धुंधली रोशनी।
मैं आधी आधी रात तक पढ़ना शुरू कर दिया और वो हर साल अपनी जमात में अव्वल आने लगा। क्लास सिक्स सेक्शन ए पर हमान हुसैन। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुबारकबाद पेश करने आए हैं। या हमने तो सिर्फ लफाजी की है, शुक्रिया अल्लाह कीजिए अपनी अम्मी का। सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन। वो देखिए प्रोग्राम के मुताबिक मैंने तमाम घरों में खबर भिजवा दी है, आज शाम गली में मोहल्ले की तमाम औरतें जमा हो जाएंगी। इंशाल्लाह मैं अभी वक्त से पहले तो घर जाऊंगी। प्यारी बहनों, असल मकसद ये है कि इस मोहल्ले के जो बच्चे गुर्बत की वजह से दिन को मेहनत मजदूरी करते हैं और तालीम से महरूम हैं, अखबार वतन के मुनाफे से कायम किया हुआ छोटा सा इदारा इस्लाह व तामीर इन बच्चों को शाम के स्कूल में दाखिला दिलवाएगा और उनकी थोड़ी बहुत तालीमी मदद भी करेगा। अब मैं तैयबा बेगम से दरख्वास्त करूंगा कि इस हफ्ते वतन की बहनों के नाम जो नज़म उन्होंने लिखी है वो पेश करें। इस नज्म को सुनने के बाद अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने का फैसला कर लें तो दाखिले के फार्म हाजिर हैं। आखिर में मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि तुम कौम की माँ हो, सोचो जरा। हमें ये कहना
बहनों, आप में से जिस जिसने अपने बच्चे को स्कूल भेजने का फैसला किया है वो हाथ उठाए। बहनों, आपको ये नेक ख्याल मुबारक हो। याद रखिए, तालीम ही वो जीना है जो इंसान को तरक्की की तरफ ले जाता है। अमान मियां, अब मैट्रिक के इम्तिहान में पास करने की कोशिश करो, हमें तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। कोशिश तो जरूर करो। शाबाश बेटे। अरे क्या मुसीबत फिर पड़ा गरीबन? अरे मलंग भाई का रात है वो घर नहीं आया, न जाने कहाँ चला गया मेरा अनमोल। चला गया है से भाग गया, ठीक ठीक बोलो। अभी पुलिस में रिपोर्ट करा, पुलिस पकड़ के लाएगा, खुदा कदम पे करके कोई बात नहीं है। अरे मैं सोचती हूँ जो उसका बाप आ गया तो क्या मुँह दिखाऊंगी, गुजर गई। अरे तुम क्या मुँह दिखाएगा उसके बाप को, वो इधर उसका मुँह हमारे को दिखाओ। हम अपने होटल के चूल्हे का कालक लगाएगा उसके मुँह पर। जो बाप अपनी औलाद को लावारस कुत्ता का माफक छोड़ देता है सारा कसूर उठता है। तुम्हारा क्या कसूर? दर्जन का बच्चा मान को देखो, बाप नहीं है, माँ कितना मुसीबत होता है, मगर बच्चा खुदा कसम शेर का बच्चा है। सारा दुनिया उसका तारीफ करता है, हर साल इनाम उठाता है। तुम उदास क्यों हो गए? साहब कहते थे कि मैट्रिक के इम्तिहान में फर्स्ट आने की कोशिश करो, और मेरे पास ना जरूरी किताबें ना ट्यूशन की फीस का इंतजाम। ऐसी जिंदा हूँ बेटे। अम्मी तुम अकेले कब तक मेरे लिए मुसीबतों का दूर होगी? ये तो सब माँ का फैसला देगा। अपनी यतीम औलाद की तालीम तरबियत के लिए माँ बनकर रहे, बाप बनकर जिंदा रहे। ऐसी हालत में बेटे का भी तो फर्ज है ना माँ कि वो अपने माँ की मदद करे। तुम सिर्फ इम्तिहान में अव्वल आने की कोशिश करो। चलिए ऐसे उन्हीं लोग ये थे, मैंने एडिटर साहब से मंगाया कि उन्हें दे दे और ये कहानी की टेस्ट दे दे। और ये बात माँ की तरफ से अपने लाल दिल अपनी पसंद की कौन सी भाई? कामयाबी मुबारक हो मियां। माफ कीजिएगा, इस नए दफ्तर के इंतजाम में आपका तोहफा हो गया, कल जरूर ले जाइए। ये दूर का मुंह क्यों लटका हुआ है? अब इसे ट्यूशन और जरूरी किताबों की फिक्र होती है। इससे पूछिए कि हम लोग मर गए हैं क्या? इससे नहीं, इनसे हुजूर, वैसे हम भी जिंदा हैं और आपको खुदा के फजल से वतन की सरपरस्ती शहर के मशहूर और खानदानी रईस अफ्रीका वाले देश ने कबूल कर दी है। हाँ, और आज इसी सिलसिले में वो यहाँ आने वाले हैं। क्या समझे चाहिए साहब, शायद कल से आपकी फिक्र भी दूर हो जाए। वालेकुम सलाम साहब, इसके लिए जरूर कुछ रख करना होगा। आप कीजिएगा भजन देखा। उनकी सरपरस्ती के इस इकरारनामे पर मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। क्यों नहीं अदा करना? इसलिए कि जब मैंने मुफलिसी में वतन की खिदमत शुरू की थी उस वक्त मेरे जिस्म पर यही वतन ब्रांड मलेशिया का कपड़े का नूर की दौर हो गया। इंशाल्लाह मेरे मरने के बाद मेरा कफन भी इसी मलेशिया का होगा और मेरे 40वें पर वही तनूर की रोटियां तकसीम होंगी। मुख्तसर इंकलाबी साहब, मैंने भी कोई एहसान नहीं किया। हमारे मुल्क का हर अच्छा दिमाग हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, और फिर मुल्क की तरक्की के लिए सिर्फ सरमाए की नहीं अच्छे दिमागों की भी जरूरत है। सुभान अल्लाह, आपके ख्यालात सुनकर बार बार जी चाहता है कि आपकी जिंदगी के हालात जरूर मालूम करूं। अच्छी बात है अजीतर साहब, इंशाल्लाह मैं अपनी दास्तान आपको कभी जरूर सुनाऊंगा। अब एक और शुक्रिया का मौका इनायत फरमाइए। मुबारक हाथों से तो इफ्तिताह होती ही रहती है। वतन का स्टाफ चाहता है कि नए दफ्तर का आगाज आप जैसे अच्छे दिमाग से हो जाए। फरमाइए, क्या ख्याल है आपका? चलिए मैं खा लूँ। सेक्रेटरी चलो।
आ गया, आ गया, आपका वतन आ गया, आ गया। लड़ने साल लड़ने। आ गया, आ गया, आपका वतन आ गया। लड़के का हाथ दरवाजे में आके जख्मी हो गया देना, थोड़ा बाकी खून निकल रहा। ये रुमाल बांध लो। ज्यादा चोट तो नहीं आई? आपका रुमाल खराब हो जाएगा। ये रुमाल तुम्हारे खून से ज्यादा कीमती तो नहीं देगा क्या मियां साहब? दादे, ये अखबार किस शौक में बेचा जा रहा है? जी तनखा, किताबों और ट्यूशन की फीस के लिए। चलिए यहाँ से फौरन घर के लिए और काफी चीजें मुझको छोड़ दी। जी अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। सेठ साहब, ये बच्चा मुझे किसी अच्छी गोद का लाल मालूम होता। लाखों में एक समझिए, अगर आप इसके अखबार बेचने की वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलो ड्राइवर। कहने लगे, ये रुमाल तुम्हारे खून से तो ज्यादा कीमती नहीं है बेटा। मेरा ख्याल है उस दौलतमंद होते हुए भी बहुत अच्छे आदमी थे। हमें कभी कभी ये बड़े लोग एक प्यार भरी बात कहकर गरीबों का दिल खुश कर दिया करते थे बेटे। आज अगर उनके बेटे का हाथ इसी तरह जख्मी हो जाता तो शायद इस कदर बेचैन हो जाते कि पूछे कोई बात भी ना निकलती। गरीबी की हाथ में न जाने कितने जौहर तबाह हो रहे हैं। उनकी हिफाजत तिजोरियों और बैंकों में सड़ने वाले सरमाए की हिफाजत से ज्यादा फायदेमंद है। यस सर। क्या कहा था तुमने उस बच्चे के बारे में? मैंने ये कहा था कि वो बच्चा किसी अच्छी गोद का लाल मालूम होता है। हुजूर, मैं अपना दिमाग जाया कर रहा हूँ और वो साहिबजादे अब तक आपके दिमाग पर तफरी फरमा रहे हैं। जी नहीं, मैं सुन रहा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी सरपरस्ती के बाद इस फंड का मुबारक आवाज उसी बच्चे की तालीमी इमदाद से किए लेते। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा हकदार इस वक्त को और कोई नहीं हो सकता। हो गया, हो गया, स्कूल के अमान हुसैन ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमें इस बच्चे की हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए सेक्रेटरी। जी हाँ बॉस, इस उम्र में इतने अच्छे नंबरों से आज तक कोई बच्चा अवल नहीं आया। मेरा ख्याल है इसे चांदी का एक शानदार कप बनाकर देना चाहिए। तो क्यों अली चाचा? जी हाँ जी हाँ, ताकि उसे हासिल करने के बाद भी ये बच्चा भिखारी का भिखारी ही रहे। अफसोस, इस किस्म के इनाम पर तालियां बजाने वाले ये नहीं समझते इस चांदी के इस खाली प्याले और फकीर के सांसे में कोई फर्क नहीं होता। बुरे दिनों में ये कप और महफिल कामयाबी का मजाक उड़ाते हैं जनाब। साहब, मालूम होता है आज आप बड़े इंकलाबी मूड में हैं। हुजूर, हम अभी तामीरी दौर से गुजर रहे हैं। हमें हर सुबह इंकलाब और हर शाम इंकलाब चाहिए। मैंने उस होनहार बच्चे के जहन को पूरी तरह झंझोड़ा है। ये बच्चा खुद भी मुसीबतों में पला है, इसीलिए उसके दिल में दुनिया का दुख दूर करने की लगन है। डॉक्टर बनना चाहता है। आप इनाम के तौर पर MBBS तक के सारे अखराजात उसके नाम बैंक में जमा करा दें ताकि ये इनाम दूसरों के लिए एक सबक हो। जी हाँ, रकम जरा बड़ी है लेकिन आप जैसे बड़े लोग अगर इन गरीब बच्चों को भी अपनी औलाद समझ लें तो सब कुछ हो सकता है। औलाद? सेक्रेटरी, बेदार साहब जितनी रकम कहें उस बच्चे के नाम बैंक में जमा करा दो। हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनतों का नतीजा है बेटे। नहीं माँ, ये सब तुम्हारी मेहनतों का सबका है। अरे ये पहनो तो बेटे। अरे छोड़िए मामू, पहन लो। माँ माशाल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है
कि मुझे आज ये दिन देखना नसीब हुआ। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी माँ ने बड़े बड़े दुख उठाए हैं बेटा। अब इंशाअल्लाह मेरी माँ डॉक्टर अमान हुसैन की माँ बनकर आराम ही आराम करेगी। आमीन। भाई डॉक्टर अमान साहब यहाँ है। कौन साहब है? अरे अमान यार, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता लगाया है। नहीं पहचाना? माफ कीजिए, कुछ याद नहीं आता। यार बचपन के साथी को भूल गए। अरे मैं हूँ तुम्हारा क्लास फेलो अनवर, गरीबन खाला का झाड़ू खाने वाला अनवर। अरे अनवर, सलामुअलैकुम खाला जान। जीते रहो बेटे। अनवर तुम तो ऊपर से नीचे तक पूरे ही बदले हुए हो। कहाँ भाग के इतने प्यारे, तो बड़े खास हैं तुम्हारे। मामू तुम्हारी दुआ है, लोगों की तो चांदी ही चांदी होती है और तुम्हारे इस भांजे का सोना ही सोना है। हाँ सुनो दोस्त, तुम्हारे डॉक्टर बनने की खुशी में आज एक शानदार पार्टी दी है मैंने। बगैर पूछे? पूछा तो गैरों से जाता है। माफ करना भाई, मुझे आज एक और पार्टी। माफ तो हम कभी किसी को नहीं करते हैं। तुम अपने बचपन के दोस्त का दिल तोड़कर किसी और की पार्टी में कैसे जा सकते हो? अरे जानकर ऐसे समझाइए ना, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। क्यों नहीं, ये तुम्हारी पार्टी में जरूर जाएगा। चले जाना। थैंक यू सारा जान। हाँ भाई तुम शाम को तैयार है ना, मैं खुद ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। टाटा। अरे सुनो तो, पर ये पार्टी है कहाँ? अनवर टेरेस मशहूर जगह है, बंदर रोड पर पुरानी नुमाइश के सामने। टाटा। माँ तुम अब भी मुझे बच्चा समझती हो? जी हाँ डॉक्टर साहब। भाई डॉक्टर साहब तैयार हो गए आप? आया भाई आया। मां मैं चलो। जीते रहो बेटे। हेलो कमान हरिया। जाओ बेटे खुदा हाफिज़। देखो जल्दी आना। अच्छा अम्मा। अरे बेटा झिझको नहीं, मैं पुराने जमाने का टिमटिमाता हुआ चिराग नहीं, नए जमाने की टॉर्च लाइट हूँ। मेरा दिल और दिमाग हमेशा वक्त के साथ चलता है। हेलो फरीसा साहब, एक बात सुन, बुरा तो नहीं मानेगा? बाप का हाथ बेटे को जाम पेश करे, ये कुछ अच्छा नहीं लगता। माफ कीजिएगा मिसेस जमाल, जमाना चांद की तरफ तेजी से भाग रहा है और आप जैसे लोग पुरानी तहजीब की कब्र खोदने में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बुढ़ापे को चाहिए कि जमाने के साथ तेजी से आगे बढ़ती हुई जवानी की कद्र करें। शुक्रिया शुक्रिया। शुरू करो बेटा, दुनिया के बड़े बड़े दिमागों ने कहा कि 16 साल के बाद बेटे को बेटा नहीं तो समझना चाहिए। क्या सब शुरू कर? ओह डैड यू आर ग्रेट, बट पार्टी तो गेस्ट ऑफ ऑनर से शुरू होना चाहिए।
अरे वारे मेरे अन्नू, अरे भाई क्या एटी केट सीखा। थैंक यू डैड। चलो चलो बेटे चलो। लो डियर स्टार्ट करो। आई एम सॉरी अन्ना, मैंने कभी नहीं पी। बेटे इसे पीना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं मजलिस में शरीक होना। अच्छा अच्छा चलो एक ही घूट पी लो। कम ऑन अमार, पार्टी के लिए, होस्ट के लिए, कम ऑन। चलो डियर एक चिप्स ले लो, ड्रिंक्स पी लो। कितने अफसोस की बात है, तुम बाप बेटे बूढ़े जवान औरत मर्द एक साथ मिलकर नाचने गाने और शराब पीने को अपनी तरक्की और नई तहजीब समझते हो। हालांकि इसी तहजीब से बचने के लिए तुम्हारे मुल्क के सबसे बड़े हमदर्द शायर अल्लामा इकबाल ने तुम्हें खुले लफ्जों में समझाया, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आपकी खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तुम अपना नक्शा तो बदल चुके, अब अपने मुल्क का रंग बदलना चाहते हो? शर्म करो, और अगर कुछ गैरत बाकी रह गई है तो अपनी आने वाली नस्ल को तबाह होने से बचा, और जो कुछ तुमने बिगाड़ा है इन्हें बनाने का मौका दो। अगर आप औरत ना होती तो आपकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देता। कौन है आप? मैं आपके मौजूद मेहमान डॉक्टर अमान हुसैन की माँ। अमान, जो तालीम तुम्हें बचपन से मिली है अगर उसे सही समझते हो तो घर चले आ। और अगर इस माहौल को पसंद करते हो तो यही ठहर जाना। माफ कीजिए, मैं इजाजत चाहूंगा। हैरो बरखुरदार, हम लोग तो तुम्हें माफ कर ही देंगे, लेकिन तुम्हारी अम्मा के बेनकाब होने के बाद उनके करतूत को जमाना माफ नहीं करेगा। माफ कीजिए, मैं अपनी माँ की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तो पागल हो जाओगे। सुनिए हजरात, ये बड़ी भी जो अभी दूसरों को नसीहत फरमा गई हैं, इनकी जवानी लाहौर की हीरा मंडी देख चुकी है। शराब, तबला, सारंगी वगैरह वगैरह से इनका जी इतना भरा हुआ है कि अब चिढ़ाती है इन्हें और आनी भी चाहिए। फरिश्ता साहब, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम कि तुम कोठी की पैदावार, तुम्हारे बाप का सही नाम कोई नहीं जानता। बकवास बंद कीजिए। तमीज से बात करो बेटा। मेरे अखबार खिदमत की पुरानी फाइलें मिस जमाल, मिस नाज और फिर मेरी बेगम, कितने सबूत चाहिए तुम्हें? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हाँ, वो मेरे साथ कोठे पे रह चुकी है। मैंने कोठे से निकलने के बाद इसे अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखा। तुम उस वक्त कूद लो, मेरी गैर हाजिरी में इसने मेरे शौहर के साथ शराब पी और मेरे ही सुहाग को लूटना चाहा। ममता, तुम अभी तक उसी से तुम चुप रहोगे? मैं खूब जानती हूँ। कल जब अखबारों के जरिए सारे शहर में ये बात फैल जाएगी बेटा, तो हर जगह तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा मजाक उड़ाए। तुम कहीं भी सर उठाकर चलने के काबिल ना रहोगे। और फिर तुम्हारी माँ की तो ये पुरानी आदत, उसने हमेशा दूसरों पर कीचड़ उछाल कर अपना मुंह काला किया है। बस कीजिए, बस कीजिए, मैं कुछ सुन नहीं सकता। ये गम तो तुम्हारी जिंदगी के साथ रहेगा बेटा। लोग गम गलत कर लो, थोड़ी सी पी लो, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। पी लो। अमान, जो तालीम तुम्हें बचपन से मिली है अगर उसे सही समझते हो तो घर चले आना।
बदतमीज लड़का है, इतनी कीमती चीज जमीन पर फेंकी। ओह फॉरगेट इट डैडी, लेट्स एंजॉय। कम ऑन, लेट्स हैव ड्रिंक। कम डार्लिंग। नो नो थैंक यू। डार्लिंग ये उधर दे दो। ए बेटे, अरे भाई हमें भी तो कुछ दो ना। देता हूँ डैडी। वो इंस्पेक्टर साहब, ये अनवर गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या मामला है, आखिर क्या किया है इसने? क्या किया है इसने? मैंने 3 बार 1000 रुपए का सोना समंदर के रास्ते यहाँ पहुँचाया है। हर बार इसने मेरे से में बेईमानी की है। ठहरिए, ये झूठ। मैं अभी आपको इसका सबूत पेश करता हूँ। लेकिन वहां तो हर एक की नजर गवाही दे रही थी, हर एक की जबान सबूत पेश कर रही थी, और मैं मारे शर्म के जमीन में गड़ा जा रहा था। कभी कभी आंखें जो कुछ देखती हैं, कान जो कुछ सुनते हैं, वो भी गलत होता है। जिसे तुम गलत कह रही हो, अब पास उठने के बाद कल सारी दुनिया उसे सही समझेगी। तुम्हारी वजह से मेरी नजरें हर एक के सामने झुकी रहेंगी। कहीं से उठा कर नहीं चल सकूंगा। ये तुम कह रहे हो अमर, जिसके मुस्तकबिल को शानदार बनाने के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसी कुर्बानी से तो अच्छा था माँ कि तुम पैदा होते ही मेरा गला घोट देती। इस बेइज्जती की जिंदगी से मौत कहीं अच्छी। खबरदार, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें सुखी रखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है। तुम मुझे सही समझते हो या गलत, बस इतना बता दो। दुनिया की कोई भी औलाद अपनी बुरी से बुरी माँ को भी बुरा नहीं कहती, लेकिन सारी दुनिया तुम्हारी औलाद नहीं है माँ, और मुझे इसी दुनिया में रहना है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है,
अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा लाल यानी इज्जत के साथ सर उठा कर चले। मैं अपने बेटे के दुनिया से चली जाऊंगी जहाँ से मुझे कोई भी वापस नहीं ला सकेगा। मैं तीर्थ चिल्लाती रह गई मगर वो चली गई। मुझे शक है, मुझे शक है कहीं बाजी में बस बस अब पछताने से क्या फायदा फरिश्ता साहब। आपका लिखा हुआ ये मजमून छाया होने के बाद दूसरों के लिए एक सबक तो बन सकता लेकिन आपके गुनाहों को नहीं बख्शवा सकता। मेरे गुनाहों की सजा तो मुझे मिल चुकी है बेटा साहब। जिस कलम से मैंने दूसरों पर नाजायज वार किए थे आज उसी से अपने गुनाहों को इस दुनिया के सामने इसलिए बेनकाब कर रहा हूं कि शायद वहां मेरी तौबा कबूल हो सके। क्यों कुछ पता चला? अब जिंदगी भर रोते रहो उस मां की। बेटा साहब मैं तो आपको बता चुका हूं कसूर इनका नहीं मेरा है। जालिमों पर खुदा का गजब नाजिल होता है उसके कहर से डरने वाला चाहिए। अच्छा खुदा खुदा हाफिज़। कुछ मालूम हुआ? हर जगह तलाश किया लेकिन मैं बड़ा बदनसीब हुआ एडिटर का बड़ा बदनसीब। नहीं बेटे तुम बड़े खुशनसीब हो। मां को खोने के बावजूद अब तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। तुम्हारी मां की कहानी का यह पहला हिस्सा इस बात की गवाही दे रहा है कि तुम एक अच्छी गोद के लाल ही नहीं बड़े बाप के बेटे भी हो। आज से कुछ दिन पहले मैंने अफ्रीका वाले शेख की जबानी उनकी जिंदगी के कुछ हालात सुने थे। उन्हीं वाकयात तुम्हारी मां ने अपनी कहानी के पहले हिस्से में लिखे जिनसे साफ पता चलता है कि अफ्रीका वाले सेठ कामरान हुसैन डॉक्टर अमान हुसैन के वालिद हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूं। काश वो यहां होते तो मैं तुमको अभी उनसे मिला देता। कहां है वो? वो अपनी बीमार वालिदा को लेकर मीर बाबा के मजार पर गए हुए। जहाँ आपने इतना कुछ किया है वहाँ थोड़ी सी तकलीफ और सही। इन बाप बेटों को जल्दी मिला दीजिए। चलिए हम ये मंजर भी देख लेंगे। और हाँ खूब याद आया, इस कहानी से ये भी मालूम होता है कि तुम्हारी वालदा को भी उस मजार से काफी अकीदत थी शायद। चलो खैर अल्लाह मालिक। सही किसान सही किया बोला किसान खुदा शाह जो आवाज के अल्लाह के रूप में अल्लाह के रूप में सलामत रखे। मेरे कोर के दाम से न घबराओ, ये कोर नहीं मेरे गुनाहों की सजा है, दूसरों के लिए इबरत है। मेरी गुनहगार आंखें बेगुनाह खातून को ढूंढ ढूंढ कर थक गई है जिसके कदमों से लिपट कर मैं मरने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। सच्चे खां तो नहीं? हाँ वही जलील इंसान जिसने तैयबा बेगम पर झूठे इल्जाम लगाए
से साहब के होने वाले बच्चे को नाजायज औलाद कहकर उस बेचारी को सारे गांव में शरीर किया और धोखा देकर उसे कोठे पर ले गया। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि आपकी बीवी का दामन इतना पाक है कि उसका साया भी मेरे जैसे जलील गुनाहगार की बख्शिश के लिए काफी है। सच्चे पास जी चाहता है तुम्हारे गोड़ के जख्मों पर तेजाब भेज दो ताकि तुम्हें महसूस हो सके कि इस वक्त में मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मैं इसकी काबिल आप जो चाहे सलाह दें लेकिन मुझे माफ जरूर कर दे। सच्चे खान तुम कितने जालिम हो, मेरी गैर हाजिरी ने तुम मेरा घर जला दिया। आज एक मुद्दत के बाद इसकी दास्तान सुनाकर तुम मेरा दिल जला रहे हो और किसी से माफी मांगती हूँ। माफी मांगना है तो खुदा से, उसी खुदा के लिए आप मुझे पहले माफ कर दीजिए वरना उसकी रहमत भी मुझसे मुंह फेर लेगी। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हें मैं मिल गया, लेकिन अपनी गलतियों की माफी के लिए अब मैं तैयबा को कहां आबाद हूं। मैं अपनी मदद के लिए किसे पुकार पुकार उनको के जिनका लकब हबीब अल्लाह सरापा नूरे खुदा और जबां कलाम उल्ला और जबां कलाम उल्ला। ला इलाहा इल्लल्ला सहारा सबसे बड़ा समझा दिया हो समझा दिया कमली वाले ने। कतार वो गफार वो रहीम वो करीम वो कुन कहे दुनिया बने वो कुन कहे दुनिया बने वो जिसको चाहे बख्श दे वो जिसको चाहे बख्श दे। ला इलाहा इल्लल्लाह सदके में नबी के मांग ले तू सदके में नबी के मांग ले तू जो मांगेगा मिल जाएगा अपना लुटवा दिया कमली वाले ने लुटवा दिया कमली वाले ने लुटवा दिया कमली वाले ने फरमा दिया वो फरमा दिया कमली वाले घर है काबा और गिलाफ़े काबा काला है। गुनहगारों की बख्शिश को भी काली कमली वाला है। दोनों जहां में देखिए आज क्या क्या नहीं हुआ लेकिन कोई हुजूर के जैसा नहीं हुआ लेकिन कोई हुजूर के जैसा नहीं हुआ नहीं हुआ लेकिन कोई हुजूर के जैसा नहीं हुआ। सलाम उन पर जो तूफानों के रुख को मोड़ देते हैं। सलाम उन पर
देते हैं कोई मेरे हुजूर के जैसा नहीं हुआ कोई मेरे हुजूर के जैसा नहीं हुआ नहीं हुआ कोई मेरे हुजूर के जैसा नहीं हुआ माँ की बदौलत आज पिछड़े हुए बाप बेटे मिले उसे ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ। सारा वाक्य सुनने के बाद मेरा दिल गवाही देता है कि वो मर नहीं सकती। माँ हम फौरन शहर चलेंगे शहर पहुंचते ही ये ऐलान करवा दो जो भी तैयबा बेगम को ढूंढ कर लाएगा या उसका सही पता देगा उसको 25,000 का इनाम दिए जाएंगे। बहुत अच्छा बहुत आज मेरी आंखें होती मैं तुम्हें देख सकता बेटा अरे मां को तलाश कर सकता। आपकी आंखों का ऑपरेशन हो सकता है अब्बा। खुदा करे ये ऑपरेशन कामयाब हो मैं तुम्हारी आंखों पर से अपनी नित दौलत सब क्या कर दूंगी बेटा। ला इलाहा इल्लल्लाह कमली वाले के सस्ते में खुदा आपकी आंखों को नूर बख्शे ताकि सस्ते के सरमाए से गरीबों की दुनिया के कुछ अंधेरे दूर किए जा सके। आमीन। काश आज तैयबा बेगम की मौजूद होती। तालीम नंबर के सरे वर्क पे ये तस्वीर इसलिए दी गई है कि इस बेमिसाल माँ की यादगार कायम करने के लिए जो नई बिल्डिंग खरीदी गई है उसका नाम काशाना तैयबा यानी पाक घर रखा गया है। ये बिल्डिंग बेसहारा औरतों और गरीब बच्चों का इमदादी और तालीमी मरकज होगी। इसकी इफ्तिताह का शानदार जलसा आपकी सदारत में होगा इंशाल्लाह। तालीम नंबर की बदौलत सारा शहर इस जलसे में शिरकत करेगा माशाल्लाह। ये थी उस माँ की कहानी जिसने तमाम तूफानों का मुकाबला एक ऐसी शमा बनकर किया कि खुद तो जलती रही लेकिन अपनी औलाद की जिंदगी को उसने रोशन कर दिया। याद रखिए अगर औलाद नेक है तो आंखों का नूर है और अगर बुरी है तो कलेजे का नासूर है। अब मैं ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज से आपकी खिदमत के लिए इस इदारे के सेक्रेटरी डॉक्टर अमान हुसैन होंगे। तशरीफ लाइए। हजरात दुनिया की खिदमत सिर्फ वही कर सकता है जिसने दुनिया की मुसीबतें उठाई हैं जिसने कभी आंसुओं के दिए नहीं जलाए वो दिलों के अंधेरे दूर नहीं कर सकता। हाजरीन जलसा मेरे मोहतरम बुजुर्ग बेदार इनकलाबी साहब ने जो कुछ कहा है लफ्ज ब लफ्ज सही है। परवरदिगार आलम का सबसे बड़ा तोहफा वो माँ है जो अपनी औलाद के लिए जीती है
और अपनी औलाद के लिए हिम्मत दी है। इस जलसे से खिताब करने का हक ऐसी ही माँ को पहुंचता है। काश आज मेरी माँ होती। क्या इस जलसे में कोई और ऐसी माँ मौजूद नहीं? अगर हैं तो मैं इल्तिजा करता हूं कि वो आए और इस फर्ज को पूरा करें। माँ की याद में ये एक बेटे की दरख्वास्त है, कोई भी नए खातून आए और जलसे से खिताब करें। आइए तशरीफ लाइए। जनाब सदर, ख्वातीन और हजरात, एक माँ के ख्यालात को जाहिर करने के लिए एक ऐसी माँ को बुलाया गया है जिसकी किस्मत में सुहागन होते हुए बेवा होना लिखा था, फिर भी उसने अपने सरताज की निशानी को यतीम बच्चे की माँ बनकर नहीं बाप बनकर तालीम और तरबियत दिलाई, और आज इसका सिला परवरदिगार आलम ने इस तरह दिया कि खुद मेरी आंखों को यकीन नहीं आता। लेकिन कानों में कलाम पाक की एक आवाज गूंज रही है, इन्नल्लाह मासाबिरीन, और इस कलाम की सच्चाई की शान को जाहिर करने के लिए मैं खुद को बेनकाब कर रही हूँ। वतन में जिन्होंने मेरी कहानी पढ़ी है वो मुझे यहाँ देखकर हैरान जरूर होंगे, लेकिन हालात कुछ भी सही, खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है। मैं अपने लाल की दुनिया से इसलिए रूपोश हो गई थी कि दुनिया मुझे मुर्दा समझकर भूल जाए और मेरा बेटा सुरसुरू रहे। मेरी बहू बेगम साहिबा यहाँ नहीं, इन्हें तो अफ्रीका हाउस में गले से लगाइएगा ताकि कामरान महल से धक्के देके निकालने की कसर पूरी हो जाए। माफ कीजिएगा तैयबा बहन, एक मसला हल नहीं हुआ। आपको ढूंढकर लाने के लिए 25,000 रुपए की रकम का कोई हकदार भी है या आप खुद तशरीफ लाई हैं? मुझे ढूंढकर लाने का सेहरा मेरे मुंह बोले भाई बलंग इकबाल, भाई मलंग मकरानी और बहन गरीबन के सर। आप लोग यहाँ तशरीफ लाइए। ऐलान के मुताबिक 25,000 की इनामी रकम इनकी खिदमत में पेश की जाएगी। ये वरी क्या आओ यार, बाजा लोग, भाई लोग, बहन लोग और सब लोग, तुम लोग ताली इस वास्ते बजाता है तो तुम लोग बहुत खुश हैं। खुदा कसम हम भी बहुत खुश हैं इस वास्ते कि हम लोगों ने अपना बहन को ढूंढा है, मगर हम कोई बड़ा काम नहीं किया, अपना फर्ज पूरा किया है, ये तो सबका फर्ज है। अब इस फर्ज के वास्ते बाजा लोग हमको 25,000 रुपए का इनाम देता है। देखो यार, लेकिन सुनिए, हम गरीब इतने छोटे नहीं हैं जितने हम नजर आते हैं। ये 25,000 की पूरी रकम हम तीनों अपनी तरफ से बेसहारा औरतों और गरीब बच्चों के तालीमी और इमदादी फंड में पेश करते हैं। भाइयों, आज इन लोगों ने साबित कर दिया कि गरीब की किस्मत गरीब होती है, गरीब का दिल गरीब नहीं होता। गरीब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जलसे की कार्रवाई खत्म होने से पहले मैं अपनी बहनों और बेटियों से सिर्फ ये गुजारिश करूंगी, तुम कौन सी माँ हो सोचो जरा, औरत से हमें ये कहना है, औलाद तुम्हारी दौलत है, तालीम तुम्हारा जहर।